हेलो दोस्तों दारू पे चर्चा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है आज मैं एक छोटा सा यूट्यूब वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ काइंड ऑफ माई कलेक्शन का एक 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 एस्पेक्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैं मैं अपना कलेक्शन बहुत सारे थीम्स पे बेस किया हूँ वो थीम्स में भी मैं बहुत डिस्कस किया हूँ वीडियोज बनाया हूँ आप देख सकते हो लेकिन एक थीम है एज स्पेसिफिक जैसे दस साल है ना ये आपके सामने तो एज स्पेसिफिक स्पेशली स्कॉच की दुनिया में क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है मेच्योरेशन के लिए तो बहुत एजेड विस्टी भी आपको मिल जाता है ठीक है तो मेरा प्लान था कि मैं 10 साल से लेके 18 साल तक एटलीस्ट एक बॉटल अपने कलेक्शन में रखूँगा ही रखूँगा एटलीस्ट एक एक से ज़्यादा भी रख सकता हूँ जैसे टेन मैं आपके सामने रखा हूँ यार्ड बेग टेन राइट लेकिन दस साल का मेरे पास और भी बहुत सारे बॉटल हैं इट्स द मोस्ट कॉमन एज स्टेटमेंट और एज यू नो काइंड ऑफ लिमिट इन इन माई कलेक्शन लेकिन या uh, yeah, मैं अभी फॉर फॉर दिस वीडियो सेक मैं सिर्फ एक ही बॉटल आपको दिखाऊंगा बहुत बहुत सारे एज स्टेटमेंट में तो एक ही बॉटल ही है लेकिन दस में ज्यादा है बारह में ज्यादा है बट मैं एक ही दिखाऊंगा ठीक है तो आई स्टार्ट विथ टेन ईयरस ओल्ड आर्ट बैग टेन बाय द वे दस से अठारह मेरे पास अभी सब कुछ हो गया बारिंग वन एज स्टेटमेंट वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ठीक है आर्ट बैग टेन बढ़िया विस्की है आयला का रीजन का स्मोकी पीटी विस्की अगर आपने ये पिया नहीं पी है तो पी लो इसका रिव्यू मैंने अभी तक नहीं किया है लेकिन करेंगे आ, मैं काफ़ी स्लो हूँ रिव्यू करने में लेकिन आपके लिए कॉन्टेंट तो बनाते ही रहता हूँ तो इसी बात में एक लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्तों थैंक यू इलेवन इलेवन सिर्फ एक ही बॉटल है इलेवन थोड़ा रेयर नंबर है Uh, मिलने के लिए यह है ब्लैडनॉक इलेवन बहुत ही यूनिक प्रोफाइल है uh, फ्लावरी है फ्रूटी है बट अलोंग विद डैट आई डोंट नो बहुत अनोखा है मुझे इसको पी के आपको बताना पड़ेगा आई थिंक मैंने वीडियो शेयर किया है यू कैन यू कैन वॉच इट लेकिन बहुत अर्धी नोट्स भी आता है लो लैंड रीजन का विस्की है uh, जो कि रेयर है ब्लैडनॉक इलेवन

वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट बॉटल्स अगेन हाईलैंड पार्क क्योंकि ये जो वाइकिंग या सेल्टिक आर्ट डिजाइन है दैट काइंड ऑफ स्टील्स का शो ये आइलैंड्स रीजन से आता है ये भी स्मोकी है पी है लेकिन थोड़ा लाइट स्मोकी पी है 43% थ्री परसेंट में बॉटल किया जाता है वेरी जेंटल विस्की अगर आप पीठ और स्मोक विस्की पे एंटर करना चाहते हो तो हाईलैंड पार्क ट्वेल्व इज वेरी गुड इसमें आपको शेरी कास्ट का इन्फ्लुंस भी मिलेगा तो शेरी में भी अगर आप इन इंट्रोड्यूस करने चाहते हो एक नया बॉटल को तो आई थिंक हाईलैंड पार्क 12 इज डेफिनेटली अ गुड कंटेंडर ठीक है नेक्स्ट वी गो टू 13 ये सिर्फ अगेन एक ही बॉटल है थर्टीन भी रेयर है ज्यादा बॉटल ज्यादा डिस्टिलरी 13 ईयर्स में बॉटलिंग नहीं करते मे बी सुपरस्टिशन है बट एनीवेज वेज क्रेगैलिकी थर्टीन स्पेस साइड का एक अनोखा मतलब मतलब uh, वानेस्की का और बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर प्रोफाइल को एक्सप्लोर करते हो और पसंद करते हो तभी मैं रिकमेंड करूंगा लेकिन अगर आप सच में करते हो ना मेरे जैसा डिफरेंट फ्लेवर प्रोफाइल को आप एंजॉय करते हो Then, तो मस्ट बाय तो है यार बहुत ही बेहतरीन है ठीक है थर्टीन ईयर्स ओल्ड फोर्टीन फिटिक फोर्टीन वन ऑफ माई रिसेंट एडिशन कितना सुंदर लग रहा है ना ब्यूटिफुल कलर व्हाइट और गोल्डन कलर ऑफ द विस्ट की जो कि आर्टिफिशल है अनफॉर्चुनेटली बट ग्लैनफेडिक ब्लू में लिखा है वाइट पेपर है गोल्डन है आई जस्ट लव दिस प्रजेंटेशन ये खोला नहीं है अभी तक रिसेंट uh, एडिशन है ग्लैनफेडिक फोर्टीन uh, अगर आप इंडिया में ढूंढोगे शायद आपको मिलेगा ही नहीं या मोस्टली नहीं मिलेगा क्योंकि इट्स नॉट मेड फॉर इंडियन मार्केट इट्स नॉट इवन मेड फॉर मेड फॉर स्कॉटलैंड और यूके क्योंकि ये बर्बन बैरल रिजर्व है और ये यूएसए या नॉर्थ अमेरिकन मार्केट के लिए एक्सक्लूसिवली बनाया गया तो इट काइंड ऑफ पुट्स एन लिटल रेयरिटी मेरे यहाँ पे नहीं लेकिन वर्ल्ड वाइड देखो तो थोड़ा रेयरिटी एड करता है क्योंकि इट्स ओनली लिमिटेड टू द नॉर्थ अमेरिका सो फोर्टीन नेक्स्ट वी हैव ग्लेंसकोशिया पंद्रह ये अगेन इट्स नॉट वेरी कॉमन अगर आप विस्की इंथूजस्ट नहीं हो तो शायद आप ग्लेंस के बारे में सुने नहीं होंगे ये कैम्बल टाउन एक रिलेटिवली लेसर नोन एरिया है और स्कॉच रीजन है वहाँ का विस्की है ये भी एक यूनिक प्रोफाइल है uh, काफ़ी अनोखा है uh, और बढ़िया भी है ग्लेंसकोशिया पंद्रह इसका रिव्यू मैं नहीं किया हूँ बहुत सारे रिव्यू पेंडिंग है भाई स्लोली स्लोली कर ही दूंगा सब्सक्राइब लेकिन कर दो यार प्लीज़ और पंद्रह के बाद हम चलते हैं सोला अगेन रिसेंट एडिशन विद द लेजेंडरी लागा सिक्सटीन और आ, या इसके बारे में क्या बताऊं ये भी आइला रीजन से आता है जैसे आर्टेक टेन और दोनों ही बहुत ही पॉपुलर आइला सिंगल मॉल्ट स्कॉच है uh, दोनों में डिफरेंस है मैंने सुना है खोला नहीं हूँ खोलेंगे कभी कंपेयर भी कर सकते हैं बाद में बहुत सारे आइडियाज है लेकिन आई एम वेरी स्लो इन मेकिंग वीडियोज नॉट मेकिंग वीडियोज़ मेकिंग स्पेसिफिक वीडियोज वीडियोज तो बनाता ही रहता हूँ यार ये ये आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो लेकिन स्पेसिफिक वीडियोज़ बनाने में स्पेशली मैं जो डिटेल रिव्यू बनाता हूँ वो थोड़ा टाइम लगता है एनी वेज सिक्सटीन लागावल इन सिक्सटीन इज रेप्रेजेंटिंग सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड ओके टली क्योंकि सत्रह मेरे पास नहीं है और हम चले ग्लेन मोरनजीन आई थिंकेंज की बात करें तो ग्लैन मोरनजी ओनली डिस्टिलरी जिसमें जो मतलब मैं बोलता हूँ ओनली डिस्टिलरी सिंगल मॉल्ड स्कॉच ब्लैंड की बात नहीं करता लेकिन सिंगल मॉल्ड स्कॉच में ओनली डिस्टिलरी है जो जिसका मेरे पास दो बॉटल है ऑफ द कोर रेंज ग्लैन मोनोजी टेन भी मेरे पास है ग्ल मोनोजी एटीन भी मेरे पास है मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर फ्लेवर प्रोफाइल इसलिए मैं सेम डिस्टिलरी का खरीदना थोड़ा अवॉइड करता हूँ लेकिन अच्छे डील में मिल जाए जैसे ये ग्लैन मोनोजी एटीन मुझे बढ़िया डील में मिल गया था तो मैं खरीद लिया अठारह साल एडेड भी हो गया uh, ये भी मैंने खोला मैं खोल दिया था क्या हाँ ये खोल दिया था इसका वीडियो मैं रिकॉर्डिंग किया हूँ यार एडिट करना है डालना है I, yeah, yeah, and I liked it. इतना मैं बोल सकता हूँ कि आई लाइक डिट तो आपके साथ शेयर करूंगा है कभी कभी फोर्टी परसेंट भी अच्छा लगता है लेकिन बहुत रेयर होता है बट ये रे मेरे बहादुर सिपाही दस से लेके अठारह सत्रह नहीं है सत्रह भी थोड़ा यू नो ग्यारह तेरह और सत्रह ये जो तीन एज स्टेटमेंट है ना ये ज्यादा इजिली अवेलेबल नहीं होते है. Uh, उसीलिए मुझे सतराह मिलना थोड़ा मुश्किल है कुछ कुछ कंटेंडर है लेकिन मेरे लोकल मतलब ओहायो में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे तो मिलते ही नहीं मुझे कहीं बाहर जाके लाना पड़ेगा सम कंटेंडर इन माय हेड इज आई थिंक ग्लैन फार क्लास सतरह मे बी दर ओल्ड पल्टनी सतरह और भी एक दो है अभी मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन अगर आपके मन में कुछ है कि सत्रह साल का मुझे क्या ख़रीदना चाहिए सिंगल मॉल्ट स्कॉच तो प्लीज़ डू लेट मी नो क्योंकि आई एम ऑल इयर्स मुझे जानना है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मुझे कलेक्ट करना आ, बट आई एम आई एम ऑन द लुक फॉर इट अगर मुझे यूएसए में नहीं मिलता तो शायद कभी यूरोप में अगर रुकूंगा तो वहाँ पे ख़रीद लूँगा नहीं तो इंडिया में अगर मिलेगा तो आप मुझे बता दीजिए आई आई एल गो एंड परचेज फ्रॉम इंडिया एंड ब्रिंग इट टू माई कलेक्शन हियर इन द एस तो यही है uh, मैं यू नो आई एम आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई कलेक्शन में बहुत सारे डिफरेंट थीम्स करता हूँ ये एज स्पेसिफिक थीम भी मैं uh, मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम हैप्पी कि मैं ऑलमोस्ट आई एम ऑलमोस्ट है दस से अठारह में सिर्फ एक मिसिंग है बट होपली uh, वो भी जल्दी हो जाएगा Uh, जल्दी ना हो तो चलेगा यार स्लोली स्लोली कलेक्शन बढ़ाओ तो मज़ा आता है फटाफट खत्म कर दो तो मज़ा नहीं आता एनी वेज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज अगेन रिक्वेस्ट बहुत लोग जो देखते हैं मेरे वीडियोज़ uh, आप लोग नए व्यूअर्स हो यार सब्सक्राइब कर दो आप लोगों के लिए फ्री है लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा बहुत छोटा सा चैनल है बहुत स्लोली ग्रो करता है बट यार कर दो यार थैंक यू टाटा गुड बाय